सबको चंदा देना पड़ेगा। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 1,00,000 रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। लोगों के कैंसर हो जाएंगे तो एक तो ये एग्जांपल है। दूसरी तरफ आजकल हम एक बहुत बड़े मसले से गुजर रहे हैं जिसका नाम कोविड-19 है, और आपको पता है कि पाकिस्तान को बावजूद कोशिश के कोविड-19 की बहुत ज्यादा वैक्सीन नहीं लग सकी। कुछ तो हमें चीन से आ रही है और कुछ जो कोवैक्स अलायंस है वो वैक्सीन देंगे, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक अपने तौर पर कोई ऑर्डर बुक नहीं किया। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि दुनिया भर में जो वैक्सीन की प्रोडक्शन है उसका 60% हिंदुस्तान के अंदर है, सीरम इंस्टीट्यूट है और इदारे हैं। तो जब आप इस तरह के रवाबित को मुनकता करते हैं तो उसके इम्प्लीकेशन कई तरफ आते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को सुनों का समझौता तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इन इकोनॉमिक रियलिटीज को मद्देनजर रखकर तो इंडियन रुपी सेक्टर कब तक जो है वो वैक्सीन रोल आउट करना शुरू कर देगा, क्योंकि कल से सोशल मीडिया पे कुछ बातें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि इंडियन रुपीज 250 में AstraZeneca जो है वो वहाँ पे लगाई जा रही है एक शख्स को, जबकि पाकिस्तान में जो कीमत है एक और वैक्सीन की वो नाकाबले, जिसे कहना चाहिए ना, एक अफोर्ड नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा कीमत है। तो इस हवाले से क्या सदाकत है इन खबरों में, और क्या इकदाम है जो कि हुकूमत मजीद ले रही है कि प्राइवेट सेक्टर से भी लोगों को मिलना शुरू हो जाए वैक्सीन? देखिए, प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट जितना फैसिलिटेट कर सकती थी इन टर्म्स के जो फॉर्मेलिटीज होती हैं ड्रैप की या जो इंपोर्ट के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा उनको फैसिलिटेट किया है, उन सारे प्रोसीजर्स को बहुत शॉर्टन किया है, उनमें आसानी पैदा की है, बहुत सारी चीज़ें वेव ऑफ कर दी हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ ताकि वो जल्द अज जल्द लेकर आ जाएँ। मगर इस वक्त इशू ये है कि दुनिया की मार्केट में इस वक्त डिलीवरी वैक्सीन की जो है वो बड़ी लिमिटेड है, और यूजली वो कंट्री टू कंट्री जो है वो हो रही है जो बड़ी खेप है। ज़ाहिर है प्राइवेट सेक्टर ने थोड़ी क्वांटिटी में मंगानी है, थोड़ी क्वांटिटीज जो है वो इस वक्त उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी इस वक्त मुश्किल हो रही है, इसलिए हमारे एंड से उनको हर तरह से फैसिलिटेट कर दिया गया है। अब बाहर की कंपनीज जब उनके साथ कोई उनकी अपनी डील अगर होगी तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब उनको अवेलेबल कर देंगी। और जहाँ तक प्राइसिंग का है, प्राइसिंग के लिए एक मैकेनिज्म हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से प्राइसेस वगैरह इनकी मंगवा रहे हैं ताकि उसकी रोशनी में कोई पॉलिसी बनाई जाए और कोई कैप लगाई जाए इसके ऊपर कि इस लिमिट से ज्यादा जो है वो वैक्सीन की प्राइस नहीं हो। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर नौशीन आमिर साहब, आज से जो वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, और अगर अभी तक 60 साल से ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने अभी खुद को रजिस्टर नहीं करवाया तो एक मैसेज आप करेंगे और आप रजिस्टर हो जाएंगे। और ये जो हम इंडिया की बात करें उसकी वजह ये है कि AstraZeneca उन्होंने वहां से लाइसेंस लेके खुद लोकली उसको वहां पे मैन्युफैक्चर किया, जिसकी वजह से अगर वो इंडियन 250 रुपीज में लगा रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया की इतलात है, जाहिर है इसके बारे में मुसद्दिका हम उस तरह से नहीं कह सकते, लेकिन इफ इट्स ट्रू तो इसका मतलब ये है कि हमें भी बहुत जल्दी अपनी इस एडवांसमेंट पे जाना होगा कि हम भी इस तरह से वैक्सीन खुद बना सके ताकि अपने लोगों को अफोर्डेबल प्राइसेस पे दे भी सके। बिल्कुल जी। नाज़रीन, कोरोना केसेस की गुज़श्ता कई दिनों से बढ़ती तादाद के बाद वायरस की तीसरी लहर का जो खदशा है अभी एक हकीकत का रुख इख्तियार कर रहा है। पहली और दूसरी लहर में मुल्क में कोरोना से होने वाली अमवात की शरह अमरीका और यूरोप के मुकाबले में नहायत कम रही है। शायद यही वजह थी कि जहां हुकूमत ने अपने इकदामात में नरमी बरती वहां आवाम ने भी SOPs का ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से अब इसको कतन खारिज अज़मकान हम नहीं करार दे सकते कि हम वायरस को पलटने का एक और मौका दे रहे हैं। 2 मार्च को इस वबा से 75 अफराद हलाक हुए, जो 24 दिसंबर के बाद से एक दिन में अमवात की सबसे बड़ी तादाद है। मुल्क में इस वक्त केसेस मुस्बत आने का तनासुब जो है ये 4.2% है। पिछले 24 घंटों के आदाद व शुमार को अगर हम देखें तो कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 54 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 1,353 नए मरीज़ भी रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजमूई तौर पर अमवात जो हैं ये 13,281 हो चुकी हैं। तिब्बी माहरीन के मुताबिक 70% आबादी वैक्सीनेट हो जाने की सूरत में ही इस मोहलिक बीमारी के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ा जा सकता है, नबरदाजमा हुआ जा सकता है। NCOC के सरबरा असद उमर के मुताबिक 60 साल और इससे ज़ायद उम्र के अफराद की कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन कल से शुरू होगी, जिसके लिए 60 साल से ज़ायद उम्र के 3,28,090 जो है बुज़ुर्ग शहरी ये रजिस्ट्रेशन अब तक करवा चुके हैं, जबकि
3 फरवरी से जारी तिब्बी अमले के लिए आगाज़ किए जाने वाले कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में तर्जुमान हुकूमत पंजाब के मुताबिक अब तक 62,000 से ज़ायद फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ख़तरे की बात यह है कि माहरीन के मुताबिक कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का जो रिस्पॉन्स है ये नहायत ही सुस्त रहा है। गुज़श्ता महीने पेम्स अस्पताल की इंतज़ामिया भी वैक्सीन ना लगवाने वाले अपने मुलाज़मीन को इंतबाह जारी कर चुकी है, जबकि गैलप के एक सर्वे के मुताबिक 49% पाकिस्तानी COVID-19 के ख़िलाफ़ वैक्सीन लगवाने के हक में ही नहीं है। सर्वे में शामिल अफराद ने इस ख्याल का इजहार भी किया है कि कोरोना वायरस के ख़तरे को बढ़ा चढ़ा कर जो है वो पेश किया जा रहा है, लोगों में वो शऊर नहीं है इस वैक्सीनेशन के हवाले से, या आवाम लोगों को वो आगाही शायद देने में नाकाम रही है कि लोग इसकी अफादियत को समझने से कासिर हैं और नहीं लगवाना चाहती है आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद वैक्सीनेशन को। वैक्सीनेशन के हवाले से लोग सेटिस्फाइड क्यों नहीं हैं, मुतमइन नहीं हैं? बहुत बड़ी एक तादाद है जो वैक्सीनेशन लगवाना नहीं चाहती है। क्या कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है, कोई साजिश करने की कोशिश की जा रही है कि लोगों में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी है इसके साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर? मैंने भी किसी से पूछा कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए अब रजिस्ट्रेशन करवानी शुरू कर देनी चाहिए, तो 2-3 जगह से बड़ा नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला कि बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए। तो इस बारे में ज़रा बताइएगा कि आप लोग, हुकूमत लोगों को वो शऊर नहीं दे सकी है, आगाही नहीं दे सकी है कि इस वैक्सीनेशन का कोई नुकसान नहीं है, इसकी अफादियत के बारे में आप लोगों को सही तरह पैगाम पहुंचा नहीं पाए कि इतनी नेगेटिविटी है लोगों के दिलों में, जहनों में वैक्सीनेशन के हवाले से? देखिए, मकसद ये है कि जिस चीज़ के बारे में कुछ पता ना हो, जिसकी चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा खदशात हों, तो रोज़ाना की नई नई कहानियाँ बनती हैं। अहम चीज़ है कि सारी वैक्सीन जो हैं एक बाकायदा ह्यूमन ट्रायल्स के थ्रू गुजर के और फिर इस वक्त जो हैं वो नमूदार, आपको पता है कि दे हैव कम फॉरवर्ड। ये जब तक रजिस्टर नहीं होती, जब तक आप एक प्रॉपर ह्यूमन ट्रायल कर नहीं लेते, एक दफ़ा नहीं 3-3 दफ़ा ट्रायल्स हुई हैं इनके ऊपर। साइनोफार्मा जो इस वक्त हम अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को लगा रहे हैं और अब हम इंशाल्लाह बुजुर्गों के लिए भी शुरू कर रहे हैं, ये साइनोफार्मा हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड। अमरात के अंदर जितने लोग हैं उनको साइनोफार्मा ही लगी है और आपके सामने है, वहां मैसिव वैक्सीनेशन हुई है और कोई ऐसा एडवर्स साइड इफेक्ट्स जो हैं उस तरह सामने बिल्कुल नहीं आए। माइल्ड साइड इफेक्ट्स, हल्का सा बुखार हो जाना, कोई थोड़ी सी गले में खराश वगैरह होना, वो तो देखिए ना, जब आप कोई वैक्सीन लेते हैं तो थोड़ा बहुत तो साइड इफेक्ट होता है। हम भी जब अपने बच्चों को वैक्सीन दिलवाते हैं तो फिर वो कहते हैं जी आप 1-2 दिन इनको थोड़ा सा कोई हल्का सा हरारत होगी, आप मेहरबानी करके पैनल। तो गाइज़ ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया इस समय डिस्कस कर रहा है कोरोना वैक्सीन के बारे में, और आपको बता दें पाकिस्तान को भारत की तरफ से 4.5 करोड़ कोरोना वैक्सीन के डोजेस बहुत जल्दी मिलेंगे, एक साथ नहीं मिलेंगे, आपको बता देना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान ने भारत से रिक्वेस्ट नहीं की, ना भारत ने पाकिस्तान को देने की बात की, ये एक्चुअली में एक संगठन है गावी जो गरीब देशों की मदद करता है। पाकिस्तान ने अपने आप को गरीब देश, पाकिस्तान तो है गरीब, गरीब नहीं भुखमंगा भुखमरा के आप जो कुछ भी बोल दो, आप उन देशों की लिस्ट में शामिल होकर पाकिस्तान ने गेम खेला कि पाकिस्तान को मुफ्त में जो वैक्सीन मिलेगी वो पाकिस्तान अपनी आवाम को देगा। पाकिस्तान की जो सरकार, इसका कोई इंटेंशन नहीं है कि पाकिस्तान खरीद के वैक्सीन लगाए अपने लोगों को, वो चाहता है लोग मरे, जो कुछ हो उनका उससे कुछ लेना देना नहीं। आपने देखा पाकिस्तान में जो अभी PSL हुआ था, पाकिस्तान सुपर लीग, वो भी कोरोना पॉजिटिव केसेस के कारण कैंसिल हो गया और पाकिस्तानियों को कोई भी शर्म नहीं आती। पाकिस्तानी चाहे तो वैक्सीन के लिए भारत से बात कर सकते थे। आपको बता दें कि भारत ने जितने भी पड़ोसी देश थे सबको वैक्सीन दी। पाकिस्तान के इमरान खान का ऐसा एटीट्यूड है कि वो इतना एटीट्यूड वाला बंदा है कि वो शायद भिखारी, मतलब वो वैक्सीन की बात ना करे, वो पैसे की बात जरूर कर लेगा। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, तो आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया ने डिस्कस किया, भारत की जो वैक्सीन है दुनिया में सबसे सस्ती है, 250 रुपये की है,
और भारत की जो वैक्सीन है सबसे ज़्यादा अभी तक मतलब देशों द्वारा ली गई है, मतलब लगभग 80-90 देश पहुंच चुकी है ये वैक्सीन, और शायद अभी और देश बहुत कतार में। आपको बता दें ऐसे कई देश जिनकी आबादी 100,000 है, जो वेस्ट इंडीज के आइलैंड्स देश हैं, उनको पूरा भारत ने ही वैक्सीन से देकर उनका कोरोना वाला मतलब सिस्टम ही गेम ख़त्म कर दिया। मतलब भारत आप समझ सकते हो क्या ज़बरदस्त काम कर रहा है भारत इस समय सारी दुनिया में, और भारत ने इसी वजह से भारत का जो नाम हो रहा है बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। भारत की वैक्सीन मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली वैक्सीन में से एक बन चुकी है, क्योंकि आपको बता दें कि जो दूसरी वैक्सीन है वो बहुत गरीब देश अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, जैसे फाइज़र को -70 डिग्रीज में रखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल है। इवन इंडिया में आप बड़े बड़े शहरों में ही ये वैक्सीन लग सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो होता है खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर शेयर करें।